आप सभी को महानवमी की शुभकामनाएं हैं। आज पूरा दिन बिजी होने वाला है। आज के दिन जो है नवरात्रि में बहुत सारे पूजा पाठ होंगे और साथ ही साथ हवन भी होंगे, कन्या को खिलाया जाएगा। तो आज पूरा दिन ही बिजी शेड्यूल है और साथ ही साथ सब तरफ साफ सफाई हो चुकी है। बस अब जा रही हूँ किचन में और पूजा पाठ होगा, उससे पहले जो है कुछ तैयारियाँ हो रही हैं, जिससे कि हमको ये बनाना है चने की सब्जी और आलू की सब्जी, जो कि चने रात में भिगो के रख दिया गया था। और साथ ही साथ एक तरफ हलवा बनेगा आज, और मैं हलवा बनाने जा रही हूँ, और बनेंगे पूड़ी। तो नॉर्मल सा जो चढ़ाने वाला प्रसाद होता है वो बनेगी। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, लेकिन नहा के जो है किचन में आ गई हूँ और एक तरफ मैं दूध चढ़ा दी हूँ। तो चलिए आगे मैं हलवा बनाती हूँ, तब तक फल वल धो लेती हूँ और आगे का प्रोसेस चल ही रहा है। इस तरीके से देखिए अच्छे बड़े हो गए हैं। और इधर आज पूजा की तैयारी चल रही है, पंडित जी आ गए हैं और कुछ फ्लावर्स हैं, फूल हैं, और इसमें जो है हवन की सामग्री है, जो कि कई तरीके की जड़ी बूटी है, जो अभी पंडित जी ले रहे हैं। इसे कहाँ भेज रही है? साथ हलवा बन गई, अब आगे चना आलू की सब्जी बनेगी और फिर पूड़ी बनेगी। चने की सब्जी बनने के लिए सबसे पहले आलू चने उबाल लिए हमने, और ये सारे मसाले हमने रेडी कर लिया है, जो कि पीस के डालना होगा। और आज बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा। वैसे पूरे नौ दिन बिना लहसुन प्याज का बना, और आज भी आज हवन होगा तो को पीस लेना है। खाने के लिए थोड़ा सा चना उबला हुआ निकाल दिया गया है। आटा साना जा रहा है, बहुत ज़्यादा आटा था। मम्मी जी किचन में है, इस तरफ चना आलू की सब्जी के लिए तैयारी हो रहा है। छौंक के लिए पड़ेगा। टमाटर काट लीजिए, इसमें निकाल दीजिए जो हमने पीस लिया था, ले लीजिए जी। इसमें डाल लीजिए तेल, तेज पत्ता, हरी मिर्च डाल दीजिए, इलायची हो तो वो भी डाल दीजिए, मसालों को डाल दीजिए और आलू भी डाल दीजिए मसाला भून के। अब इसमें चना पड़ेगा और थोड़ी सी पानी, और लास्ट में धनिया घी भी डाल दीजिएगा, और धनिया भी पड़ेंगे थोड़े से, धनिया पत्ता, हरी धनिया पत्ता। सब्जियाँ जो है आलू डाल दिए गए, चना डाल दिए गए, मसालों को अच्छी तरीके से पका के हल्के पानी डाल के इसको बंद कर दिया गया है, और लास्ट में हरी धनिया पत्ता आपको ऊपर से डालने पड़ेंगे, और थोड़ी सी घी डालेंगे तो और भी टेस्ट आ जाएगा। रेडी हो गई फटाफट, और हमारी ताई जी हैं और इधर हमारी मम्मी जी हैं। आइए बाबू, बाबू मुझे कुछ कैसे जो कुछ मुझे कुछ और चलो चले चले आइए इधर मम्मा के साथ चल। लगा दी मैंने, और देखिए सिंपल सा रंग लगा दिया। सो फाइनली मैंने भी पैरों में रंग लगा लिए हैं, और थोड़ी सी हाथ को भी मैंने रंग लिया है इस तरीके से जल्दी जल्दी में। और देखिए वहाँ पे हॉर्न हो रहा है, मैं ले चल रही हूँ आपको। हॉर्न शुरू हो गई है और सभी लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे। पापा मम्मी जी इधर हैं, बाबू छाँव में बैठे हुए हैं। उसको धूप नहीं पड़ता है, उसको धूप नहीं पड़ता है, भागता है, भाग जाता है, भागो धूप धूप, भागो धूप धूप, छत पे जाता है तो कहता है, छत पे आपके जाता है तो कहता नहीं है कि धूप।
बैठो। हाँ इधर आओगे। फाइनली सब्जी बन के रेडी है, चना आलू का जो नवरात्रि स्पेशल है, बिना लहसुन प्याज का आज महानवमी में बना है। ये देखो, जा रहे हैं कन्या खिलाने, इसके लिए अभी पूरी इसी के साथ साथ सब्जियाँ बनी है इसमें। तो गाइस आज महानवरात्रि का हम लोग सब रेडी हुए थे, पूजा वूजा हो गया और फाइनली जो है माता जी को प्रसाद चढ़ेगी और कन्या खिलाया जाएगा। तो आई होप आपके घर में भी पूजा हो गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं माता जी का पूजा होने के बाद जो है कन्या खिला के उसके बाद पूजा समर्पण होगा। सो आप लोग भी एंजॉय करें महानवरात्रि में, महानवमी का ढेर सारे शुभकामनाएं। खिलाने के लिए ये खाने रेडी हुए हैं, पूरी है और आलू और चने की सब्जी, हलवा है। छोटे छोटे बच्चे को खिलाया जाएगा, बच्चियों को।